So guys, I stay in Bombay. I stay in Bombay with two of my friends. We're all bachelors. You know how bachelors live, right? Bachelors अपने घर की सफाई सिर्फ तब करते हैं जब किसी की माँ आ रही होती है. तो मेरे दोस्त राहुल की मॉम आई, हमने घर तो साफ किया, बट द प्रॉब्लम इज यू कैनॉट क्लीन योर हाउस इनफ फॉर एन इंडियन मदर. शी केम वेंट टू द किचन एंड सेड, नालायक लड़कों, तुमने गणेश जी की मूर्ति के सामने अंडे रखे हुए हैं और उनके साइड में हार्पिक की बॉटल. एंड आई एम लाइक, किचन में गणेश जी की मूर्ति भी है. तो हमने विसर्जन किसका किया था? Auntie stayed for a few days and when she left the following things behind for us ke bacche sudhar jayenge. One, homeopathy ki dawai. That became our post dinner sweet dish. Two, she left her bindi on the mirror. Next day I woke up, I was getting ready for office. I wore my tie. I looked into the mirror. I look like Ashutosh Rana from Sangharsh. पिसा हुआ जीरा, वन गाय रोल्ड इट एंड स्मोक्ड इट अप. ही वाज लाइक, काफी स्मूथ है यार, कहां से लिया? मैं कहा तेरी मम्मी ने दिया. सो आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर 13 इयर्स नाउ, बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान. And I lived in a joint family. मेरे पापा, चाचा, दादा, हम सब लोग साथ में थे. मेरे दादाजी को ना छोटी छोटी बातों से प्रॉब्लम हो जाती थी, संस्कृति वाली बातों से. मैं अपने पापा को पापा बुलाता था, उनको उससे भी प्रॉब्लम है. कहते हैं क्या पापा पर लगा रखा है, दिन भर पापा पापा करता. पापा पापा पाप किए क्या इसने? पिताजी बुलाओ उनको. हम लोग क्यों पीते हैं क्या? लेकिन मेरे पापा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सेप्ट दिस वन टाइम जब पापा का एनआरआई फ्रेंड आ रहा था यूएस से. पापा को गया भारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि इनके सामने अपन बहुत अनकूल लगने वाले हैं. तो उनके ना दिमाग में कुछ चला था, आके मुझे कहता है, विनय आज से मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं. सी, थोड़ा डाउट मुझे पहले से था. मुझे तो बचपन से लगता था पापा अडॉप्टेड है. कहते आज से मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, आज से तुम मुझे डैडी बुलाओगे. क्योंकि पापा को बना था कूल उनके सामने. मैं कहा डैडी वैसे आ कौन रहा है? कहते सैंडी इज कमिंग. आई एम लाइक, हू सैंडी? कहते बेटा वो संदीप अंकल नहीं थे? यूएस जाके लोग अपना नाम छोटा कर लेते हैं. तो अभी इज कमिंग बैक आफ्टर 10 इयर्स टू मीट विकी. मेरे पापा का नाम विक्रमजीत, खुद को विकी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने. घर के बाहर नेम प्लेट चेंज कर दी, विकी शर्मा, सुधा शर्मा. ऐसा लग रहा किसी कूल आदमी ने अनुकूल औरत से शादी की है. यहां तक ठीक था, घर का नाम चेंज कर दिया यार. शर्मा निवास बिकेम विकीज विला. विला 30x40 का प्लॉट है हमारा. और विला तो मैंने रखा है, पापा डेन रखना था, विकीज डेन. नाम सुन के लगता है घर में गंदे काम होते होंगे. हमारे लेफ्ट में अग्रवाल सदन, राइट में मिश्रा भवन, बीच में विकीज ने सर, तो किसी ड्रग डीलर का खड़ा गया. अंकल के आने के एक दिन पहले पापा की प्रिपरेशन चली गई नेक्स्ट लेवल पे. घर पे दैनिक भास्कर था, हटा के टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लिया. ओ इंग्लिश इंग्लिश बात करने लगे. रात को छत पे करे, ओ ब्यूटीफुल स्टार्स इन द नाइट स्काई. हमने कब छुपी हो जाओ यार. नीचे कुत्ते भाग रहे, बार्किंग डॉग, सेल्डम बाइक, पागल आ गए. सेल्डम वर्ड किसने सिखा दिया? तो एनीवे वो दिन आ गया, अंकल आ जाने वाले हैं. पापा उस दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आई लव न्यूयॉर्क की टी शर्ट पहन के तैयार. अंकल आए, पापा, चाचा, दादा सब लोग अंदर बैठे. पापा मेरे अभी भी फाइट मार रहे हैं. अंकल कह रहे बहुत लंबी फ्लाइट थी, यूएस से आए, 20 घंटे लग गए, जेटलैग हो गया. पापा कह रहे हम भी शिटी गए थे, 22 घंटे लग गए, जेटलैग हो गया. चल रहे होंगे. मेरी माँ भी फाइट मारी, लाइक चाय वाय बनाई, बोन चाइना वाली क्रॉकरी निकली सालों बाद, क्रीम वाले बिस्किट हमें तो पार्ले जी मिलते थे. आम काटे उसके साथ चम्मच नहीं, इसको पील करके खाना, उसके पहले मैंने सिर्फ आम चूसा था. तो अब ये सब सामान लेके मैं अंदर जा रहा हूँ, ऐसे हेलो द किड्स, हैव सम टी, हेलो अंकल, हैव सम टी. नाउ माय डैड इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, आई एम गोना कॉल हिम डैडी, ईगो बूस्ट. लेकिन प्लान हो गया फ्लॉप, क्योंकि अंकल के बच्चे उनको पिताजी बुला रहे थे.
और मेरे दादाजी के अंदर का तो आलोकनाथ ही जाग गया. Like, wow, 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 US जाके भी आपकी संस्कृति कमाल है. So now he doesn't want me to call him daddy. I'm looking at him and he's pointing his finger towards a portrait of Gandhiji on top. Exactly. Maybe he wanted me to call him Bapu or something. But I didn't know that. So I looked at him and I said, aap bhi chai lijiye na, Mahatma? And then I looked at my dada, they said, aap bhi le lijiye, Parmatma?